Hello, my dear students. Now, after a long time, you have to. Hello, students. Now, after a long time, we meet again in this video. Okay, so listen, chapter first and second, and one poem you have already completed. And now, next poem you have to now. Today, I will explain the next. Your next poem, and the poem name is Geography Lesson. Okay, so students, let's see that what is this in this poem, what is this person in this poem who's written by Zulfikar Ghosh. Okay student, dekhte hain is poem mein aisa kya hai jo Zulfikar Ghosh ne is poem ka naam Geography Lesson diya. Theek hai, chaliye student dekhte hain, this is very interesting. Okay, can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Yahan pe कह रहा है कि यू कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि योर सिटी वुड लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अपने सिटी को आप 10,000 feet ऊपर से देखें तो वो कैसा दिखेगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट प्रोपोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट. यानी वो क्या होगा, जैसे आप नीचे से देखते हैं क्या ऊपर से भी वैसे ही दिखेगा? नहीं, ऊपर से वो आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा और वहाँ की एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखेगी कि कितनी दूरी है, कितने रोड हैं, कितने रास्ते हैं, ठीक है, कितने कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितने रिवर, सब कुछ आपको ऊपर से क्लियर दिखेगा आपको अपने सिटी में अगर आप देखेंगे तो. ठीक है, हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट एज सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड. यानी ऐसे ही पोएट ने जो है, पोएट ने यहाँ पे पोएम जो लिखा है, जब वो देखे, जब उन्होंने देखा अपने वर्ड को, अपने सिटी को, ठीक है, ऊपर से देखा, बहुत ऊंचाई से देखा, तो उनके दिमाग में ये एक बात आई जो इस पोएम में उन्होंने राइट किया है. ओके, When the jet sprang into the sky, जब जेट बहुत ही ऊपर की तरफ जाते हैं स्काई में, यानी आकाश में, it was clear why the city had developed the way it had. यानी तब ये क्लियर हो जाता है कि ये सिटी कैसे डेवलप्ड हुआ है इतना. Seeing it scale 6 inches to the miles to the mile there, और 6 inches miles ऊपर से वो देखते हैं और फिर उसे फील करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितना कितना डेवलप सिटी है. देयर सीम्ड एन इनेविटेबिलिटी, इन्हें इनेविटेबिलिटी मतलब एक ये अनिवार्य, उनको एक ये बहुत ज़रूरी लगा अबाउट व्हाट अ ग्राउंड हैड लुक्ड हफाजर्ड. यानी जो मतलब उनको ये बहुत ही ज़रूरी लगा कि उन्होंने देखा कि ये पूरा ग्राउंड जो दिख रहा है, जैसे ऊपर से जो पूरा नीचे का ग्राउंड दिख रहा है, वो बहुत ही हफाजर्ड मतलब होता है जैसे विदाउट प्लान ऑर्डर, मतलब बहुत बिखरा अव्यवस्थित तरीके से उनको दिखा, अनप्लान्ड और बिना प्लान किए, एंड विदाउट स्टाइल और बिना किसी स्टाइल के, मतलब कोई स्टाइल नहीं दिख रहा था. यानी वो सारी चीज़ें मिक्स दिख रही थी ऊपर से. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और जब वो और ऊपर जाते हैं, व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, और जेट जब 10,000 feet ऊपर जाते हैं, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. जब वो 10,000 और ऊपर जाते हैं तो उनको और क्लियर दिखता है और पूरी की पूरी सिटी दिखने लगती है कि, और पूरे मतलब और बहुत ऊपर जाते हैं तो उनको कंट्रीज़ भी दिखती है और रिवर्स भी दिखते हैं कि कितने रिवर्स थे, कितनी कंट्रीज़ है, एंड बाय द वैलीज और वर पॉपुलेटेड, और वैली जो वैलीज है वहाँ पे इतना पॉपुलेशन क्यों है. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, ये जियोग्राफी का एक लॉजिक है, यानी जियोग्राफी के लॉजिक से उन्होंने देखा और ये पाया. द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलीनेटेड, ठीक है, द लैंड एंड वाटर
अट्रैक्टेड मैन, यानी जो लैंड है, भूमि है एंड वाटर है, वो मैन को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो कर रहा था, वॉज क्लियरली डिक्लेन्ड, जो कि बहुत ही विस्तार से एकदम वर्णन दिख रहा था, यानी जो जियोग्राफी की चीज़ें हैं वो जब उन्होंने बहुत ऊंचाई से देखा तो हर एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी और हर एक चीज़ें उनको क्लियर समझ में आ रही थी। ठीक है, वेन द जेट रीच्ड 10,000 फिट, और जब जेट 10,000 फिट ऊपर और जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पे जो जुल्फिकार घोष हैं उनका देखने का यहाँ पे जो मोटिव है वो ये नहीं है कि उनको जियोग्राफिकल चीज़ें देखनी है, उनको यहाँ पे सिटी में चीज़ें देखनी है, नहीं, उनका मोटिव कुछ और है, तो इसलिए और वो और ऊपर जाते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, और फिर वो 6 मील और हाई ऊपर, मतलब बहुत ही हाई जाते हैं, और फिर मतलब वहाँ पे उनको क्या दिखता है, बहुत ही कह सकते हैं कि पाटलाकार चीज़ें सारी दिखने लगती है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और फिर यहाँ से ये क्लियर दिखने लगता है कि अर्थ कैसा है, मतलब यानी अर्थ से और ऊपर चले गए। ठीक है, लाइक अ साइंटिस्ट जो होते हैं वो जैसे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखने लगते हैं, वैसे देखने लगते हैं, तो फिर उनको अर्थ कैसा दिखने, पूरा अपना अर्थ ही दिखने लगा कि अर्थ वॉज राउंड, अर्थ राउंड था, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये बहुत इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिख रहा है, भूमि से ज़्यादा सी दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है। ठीक है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी उनको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट इच अदर, यानी इस अर्थ पे मैन कैसे पाए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है कि मैन जो है, जो इंसान है, उनके अंदर नफरत भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा जलसी भरी हुई है, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, यानी वो उस वॉल को ढूंढ रहे हैं कि जो वॉल लोगों के बीच में बना हुआ है और जो दीवार बनी हुई है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और वो एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, ये चीज़ जो है जुल्फिकार वो फाइंड करना चाहते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, लेकिन वो चाहे जितना भी ऊँचा जाते हैं उनको ये चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी वो ये एक तरह से इस पोयम के थ्रू जुल्फिकार घोष वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लोगों से कि आखिर ऐसा क्यों है, हर चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं लेकिन ये चीज़ हम फाइंड क्यों नहीं कर सक रहे कि जो इंसानों के बीच में एक दूसरे के बीच में नफरत भरी हुई है, जो नफरत की दीवार खड़ी हुई है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है, तो वो ऊंची दीवार अगर मुझे दिख जाती तो मैं उसे फाइंड कर पाता। तो यहाँ पे ही जुल्फिकार घोष का मोटिव यही है लिखने का ये पोयम। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वर्ड मीनिंग से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये टिक करना है, फाइंड 3 or 4 phrases इन स्टेंजाज 1 and 2 विच आर लाइकली टू ऑक्योर इन जियोग्राफी लेसन, यानी इस पोयम में जो 3 or 4 जो स्टेंजा दिए हुए हैं जो कि फ्रेजेस के तौर पे यूज़ किए हैं वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, यानी जब हम एरोप्लेन के विंडो से देखते हैं तो सिटी कैसी दिखती है, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। फिर थर्ड है विच ऑफ द मार्क द राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर को मार्क करना है, यानी जितने भी आंसर राइट है उसको मार्क टिक करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पे जियोग्राफी के लॉजिक से कौन कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे यहाँ पे दिया देयर आर सिटीज वर देयर आर रिवर्स, यानी जितने सिटीज दिखे उतने उनको रिवर्स दिखे, यानी मोर एंड मोर रिवर्स एंड सीज दिख रहे थे ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, टिक हो जाएगा। एंड एक सिटीज अपीयर्स दे आर नॉट फ्रॉम 6 मील्स अबव द ग्राउंड, नहीं नहीं ये नहीं है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैली आर पॉपुलेटेड, यानी
ये देखना मतलब ये देखना समझ में आ जाता है ऊपर जाने के बाद कि वैली इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। ये चीज़ भी आपके पोएम में दिया है तो ये भी ठीक हो जाएगा। फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर, और ये भी आपका फोर्थ नंबर जो है सही हो जाएगा, ये आपके पोएम में दिया है। फोर्थ है मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो हाइट से क्लियर हो जा रहा है वो आपको मेंशन करना है। टू थिंग्स यानी टू स्टेंजल्स आपको राइट करने यहाँ पे, टू स्टेटमेंट एंड सेकेंड है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, और टू ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऊपर से क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ऊपर से क्लियर क्या नहीं हो रहा है, ऊपर से क्लियर यही नहीं हो रहा है ना कि मतलब मेंस के बीच में क्या कॉजेज हैं कि उनके बीच में जो है जो वॉल बनी हुई है उनके बीच में एक दूसरे को वो किल करने के लिए तैयार है, ये चीज़ें तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, यहाँ से आप सेंटेंस देख सकते हैं और इसको आप खुद से राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।